हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक शुरू के दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि गैट क्या था, फिर कैसे गैट से डब्ल्यूटीओ इवॉल्व हुआ, क्या क्या रीजंस थे, फिर उसके बाद क्या इश्यूज हैं डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, फिर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर जाना, इसके बाद हमने डंपिंग के बारे में जाना, एंटी डंपिंग ड्यूटी जाना क्या होता है, काउंटरवेलिंग डंपिंग ड्यूटी जाना क्या होता है, फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बारे में भी जाना, फिर फाइनली फ्रॉम टुडे इटसेल्फ दैट मींस फ्रॉम लेक्चर नंबर 3 वी आर स्टार्टिंग विद दोहा राउंड दैट मींस राउंड्स। तो हम यहाँ पर 3 राउंड पढ़ेंगे, दोहा राउंड पढ़ेंगे, न्यूयॉर्की राउंड पढ़ेंगे और हमारा एक बाली राउंड पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मींस क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस राउंड डायरेक्टली, फाइन। और यूपीएससी ने दोहा राउंड के पर एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है मेंस में, फाइन। तो इसलिए हम दोहा राउंड से चालू करेंगे आज का लेक्चर। तो दोहा राउंड क्या था, ठीक है, दोहा राउंड में कैसे कैसे इशूज आना चालू हुए, उन सबका डिस्कशन चालू करते हैं। देखो अब क्या था कि जो जो लास्ट राउंड हुआ था, मतलब जो आठवां राउंड हुआ था गैट का, उसमें क्या था, कुछ इश्यूज रह गए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस और जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। इसके बाद जब डब्ल्यूटीओ फॉर्म हो गया तो 3-4 साल तक सेम वो इश्यूज चलते रहे, लेकिन उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसा नहीं कि गैट में ये सारे इश्यूज आखिरी राउंड में आए थे, मतलब कुछ राउंड सिक्स राउंड में आए थे, कुछ सेवन्थ में, कुछ फिफ्थ में। तो मतलब हर एक राउंड में कभी इस पे चर्चा होती, कभी इस पे चर्चा होती और कभी इस पे चर्चा होती, मतलब एक तरीके समझ आए ना, मतलब इधर उधर राउंड, मतलब कभी ये पूछ रहे हैं, कभी ये पूछ रहे हैं, कभी इस पे चर्चा चल रही, तो एक तरीके से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो फाइनली जो जितने भी मेंबर्स थे, 64 मेंबर, उन्होंने डिसाइड किया कि इन जितने भी राउंड अभी तक बचे हैं गैट के मेजर वाले, ठीक है, जिससे लोगों को इश्यूज है, उसको हम एक ही राउंड में ला के उसके ऊपर डिस्कशन कर देंगे और फाइनल डिसीजन ले लेंगे। तो उसको क्या किया गया, जितने भी 3 मेजर इश्यूज देखे गए और उन्हें दोहा राउंड में लेके आ गया, मतलब टेबल पर रखा गया और उनके ऊपर डिस्कशन होना चालू हुआ, ठीक है। तो अब इस डिस्कशन से क्या दैट मीन्स रिजल्ट आए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो राउंड है हमारे सामने वो आता है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। उससे पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं कि जो इश्यूज हैं वो अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 1980s के आसपास से चल रहे होंगे, ठीक है, ये तीनों के तीनों इश्यूज। तो अब उसमें क्या है कि आपने देखा कि WTO अभी तक इसमें डिसीजन नहीं दे पाए, मतलब कहीं पर भी, मतलब ये लोग एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी खुश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी खुश हैं और लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी खुश हैं, मतलब तीनों के तीनों खुश नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं वो लोग अपने बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना होगा कि इंडिया भी एक अग्रीमेंट साइन कर रहा है, बाकी जो कंट्रीज हैं दैट मींस आशियन कंट्रीज हैं, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, सबके साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है, जिसमें वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किसको कितना एक्सेस देना है, किसको कितना एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। तो जैसे ही सब अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो WTO का जो इंपॉर्टेंस है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा रीजन हो गया कि WTO क्यों फेल कर रहा है। पहला रीजन मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था डेवलप्ड और डेवलपिंग वाली इशू से, और दूसरा रीजन ये है FTA की वजह से, ठीक है। तो रीजन अलग से नोट डाउन करते रहिएगा, बाकी नहीं तो आपको स्लाइड में तो मिल ही जाएगा, भाई उसमें कोई इशू ही नहीं है। इसके बाद हम सबसे पहला जो अग्रीमेंट पढ़ेंगे वो है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया, फिर से एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ये है हमारा अमेरिका, ये है हमारा कौन, इंडिया। अब अमेरिका क्या करता है, अपने फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडीज देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो राइस रहता है वो सस्ता हो जाता है, और जब हमारे मार्केट में आता है तो हमारे मार्केट वाले अलाउ नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि आपने बहुत सारी सब्सिडी दी है, तो हम एंटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। आप समझ में आया मैं लेक्चर 2 में वो सब क्यों बताया, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर मैं सीधा वर्ड यूज करने वाला हूँ, एंटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। आपको याद है ना एंटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्यों लगाती है, क्यों लगाई जाती है, जस्ट बिकॉज कि अगर किसी ने अपने फार्मर्स को, किसी सिटीजन को सब्सिडी दी और उससे उसका प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ता हो रहा है, भले वो हमारा मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहता, ना ही हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भेज रहा है, लेकिन इसकी वजह से तो हमारे मार्केट को तो लॉस हो रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या लगेंगे, एंटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। और हमारे WTO का पर्पस क्या, WTO चाहता है कि ये ड्यूटी ना लगे। अब ये ड्यूटी ना लगे उसके लिए इंडिया बोल रहा है कि भैया उनको बोल दो सब्सिडी कम कर दे, तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यही इशू था, ठीक है, मतलब ये था कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मतलब क्या है, एग्रीकल्चर में इशू क्या था, एग्रीकल्चर में ये इशू था कि ये लोग यहाँ से सब्सिडी दे रहे थे और ये लोग यहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे। तो WTO चाहता था कि भैया इसके ऊपर कोई सोल्यूशन पे आओ तो अच्छा रहेगा। और ऊपर से जो हम बफर स्टॉक क्रिएट करते हैं ना, जो राशन की दुकान, याद है मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया था PDS वाले सिस्टम में कि जो हमारा FCI है वो क्या करता है, दैट मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या करता है, वो बफर स्टॉक क्रिएट करता है। तो WTO का ऐसा कहना, जो लोग मतलब जो भी कंट्री बफर स्टॉक क्रिएट करती है, वैसे तो सारी की सारी कंट्री बफर स्टॉक क्रिएट करती है, तो WTO का कहना है कि आपने जो बफर स्टॉक क्रिएट कर रहे हो, मतलब लोग आप क्या कर रहे हो कि जो एक्स्ट्रा माल है, जो आपका एक्स्ट्रा दैट मीन्स जो फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ जो 100 मान लीजिए 100 kg का प्रोडक्शन हुआ राइस का, अब आप उसमें से 20 से 30 kg क्या रख रहे हो, अपने घर में रख ले रहे हो,
तो वो मार्केट में नहीं जा पा रहा है, मतलब वो आप मतलब आप मार्केट में बेच नहीं रहे हो, तो ये भी तरीका डिस्टॉर्शन है ना कि आपने घर में रख दिया, मतलब आप वो कह रहा चाह वो कहना चाहता है कि यहाँ पर कंट्रीज होर्डिंग कर रही है, लेकिन उनका भी अलग पर्पस है, हमें तो अपनी कंट्री को भी देखना है, लोग गरीब लोगों को भी देखना है। तो यहाँ तक अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में पहला इशू तो आप समझ गए, सब्सिडी और इम्पोर्ट ड्यूटी वाला आया जिससे कि ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है। दूसरा इशू आया बफर स्टॉक का, कि मतलब WTO ने बोला कि सब आप लोग क्या करो कि जो इतना बफर स्टॉक क्रिएट करते हो उसको क्रिएट करना बंद कर दो, तो आप सब जानते हैं पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, आपको लगता होगा कि इंडिया बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है अपने फार्मर्स को, लेकिन इंडिया जितनी सब्सिडी देता है उसकी अप्रॉक्सिमेटली 30 से 40 गुना सब्सिडी दैट मींस अकेले US और EU देते हैं। ये लोग अपने फार्मर्स को अप्रॉक्सिमेटली $380 बिलियन की सब्सिडी देते हैं और हम क्या देते हैं, आपको सोचिए हमारी इकोनॉमी $2.2 ट्रिलियन की है, तो क्या हम $380 बिलियन की सब्सिडी सिर्फ फार्मर्स को देंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। इतना तो हम मिला के कितने मतलब 2-3 सेक्टर को मिला के भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सब्सिडी देते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज ही देते हैं, फाइन है, वो क्यों देते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर मेजर जो इशू था बफर स्टॉक का, मतलब बफर स्टॉक के इशू में तो सबने ना बोल दिया कि हम नहीं करने वाले, तो WTO ने बोला चलो ठीक है हम बफर स्टॉक का जो इशू है बाद में देख लेंगे, अभी आप सब्सिडी पे आओ, सब्सिडी तो सब मानते हैं ना कि सब्सिडी से लॉस तो सबको हो रहा है, ठीक है। तो WTO ने बोला चलो सब्सिडी में आओ, अब सब्सिडी पे बात करो। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब लोगों ने बोला क्या कर सकते हैं सर, आप ही को सोल्यूशन बता दो। तो WTO ने क्या किया कि अलग से 3 बॉक्सेस बना दिए, ठीक है, मेजर 3 बॉक्सेस, और भी बॉक्सेस है, ठीक है, लेकिन हमारी UPSC के हिसाब से 3 मेजर बॉक्सेस बना दिए गए, मतलब UPSC के हिसाब से मतलब जो हमें चाहिए, ठीक है। अब क्या बॉक्सेस बना दिए, एक बनाया ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एक बनाया एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तीसरा बनाया ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। अब देखो अब यहां पर क्या रहेगा, बॉक्स सब्सिडी का मतलब क्या है, या क्लासिफिकेशन ऑफ बॉक्सेस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अब क्या करेगा ये जो WTO है अलग से लिस्ट बनाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी सब्सिडी दी जाती है, फॉर एग्जांपल किसी को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जा रही है, किसी को फार्मा सब्सिडी है, सब्सिडी वो सब्सिडी, इन सबकी लिस्ट बनाएगा और इनको अलग अलग बॉक्सेस में कैटेगराइज करेगा, ठीक है, अलग अलग बॉक्सेस में कैटेगराइज करेगा, और इसमें जितनी लिमिटेशन रहेगी उसके हिसाब से लोग सब्सिडी दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में अप्रॉक्सिमेटली आप समझ सकते हैं कि फ्रीली अलाउड है, जितना आपको देना हो ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी दो, तो WTO क्या करेगा कुछ बहुत सारी चीजें ग्रीन बॉक्स में डाल देगा। अगर WTO ने मान लो कि हमारे यहाँ बफर स्टॉक को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में डाल दिया, तो सारी कंट्री बहुत फ्रीली मतलब जितनी सब्सिडी देना चाहे उतनी सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। समझ गया बॉक्स का मतलब क्या है, बॉक्स का सिंपल मतलब ये है कि WTO क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा सब्सिडीज की जो कंट्रीज देती है, फिर यहाँ पर 3 बॉक्स लगाएगा इस तरह, 1, 2, 3, ठीक है। अब मान लीजिए पहली बॉक्स में बोला कि आप सिर्फ यहाँ पर 5% सब्सिडी दे सकते हैं, दूसरे बॉक्स में बोला कि आप 10% सब्सिडी दे सकते हैं, और दूसरे बॉक्स में बोला कि आप 20% सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर बफर स्टॉक एक सब्सिडी है, WTO ने माना कि बफर स्टॉक सब्सिडी है, ठीक है। तो मान लो बफर स्टॉक को अगर WTO ने कहां पर रख दिया, पहले बॉक्स में, तो इसका मतलब यह है कि आप बफर स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 5% तक बफर स्टॉक बना पाएंगे। अगर मान लो WTO ने वही बफर स्टॉक 10% वाले बॉक्स में रख दिया, तो उसको वो लोग मतलब सिर्फ 10% गेहूं अपने पास बफर स्टॉक में रख पाएंगे, और मान लो बफर स्टॉक को WTO ने तीसरे बॉक्स में रख दिया तो लोग 20% रख पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के बॉक्सेस बना दिया। अब उन बॉक्सेस के नाम क्या है, पहला है ब्लू बॉक्स, दूसरा है एम्बर बॉक्स, और तीसरा है ग्रीन बॉक्स। तो सबसे पहले हम एम्बर बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एम्बर बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी UPSC के पर्पज से। देखो अब एम्बर बॉक्स क्या होता है, एम्बर बॉक्स मतलब कहा जाता है कि सबसे मतलब मैनिपुलेटिव वाला बॉक्स है, मतलब जो भी सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव वाली सब्सिडीज थी ना गवर्नमेंट, दैट मीन्स WTO ने उसे एम्बर बॉक्स में रखा है, और उसमें अलाउ किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज इन सब्जेक्ट्स में 10% सब्सिडीज देंगी और डेवलप्ड कंट्रीज इन सब्जेक्ट्स में 5% सब्सिडी देंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, फिर हमारे पास होगी फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है। ये सब जो सब्सिडी रखी गई है वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी में, मतलब एम्बर बॉक्स में रखी गई है, और उसके अकॉर्डिंगली डेवलप्ड कंट्रीज इन सब सब्सिडीज पे 5% सब्सिडी देंगी और डेवलपिंग कंट्री कितनी देंगी, 10% देंगी। अब आप सोचेंगे तो WTO ने बहुत अच्छा काम कर दिया यार, कि हमें ज्यादा अलाउ कर दिया। आप सोचेंगे WTO ने थोड़ा पुअर वाला मेजर लिया कि हम डेवलपिंग कंट्री पुअर, इंडिया जैसी कंट्री पुअर है तो उनको थोड़ी ज्यादा सब्सिडी अलाउ की जाए, और डेवलप कंट्री थोड़े रईस हैं तो उनको थोड़ी कम सब्सिडी अलाउ की जाए। लेकिन एक तरीके से प्रैक्टिकल पर्पस में ना ये पूरा जो आप सोच रहे हैं वो फेल कर रहा है। क्यों, देखो इसका जो बेस ईयर अप्रॉक्सिमेटली 1980 रखा गया, आई डू नॉट रिमेंबर, बट 1980 और 1970 के आसपास का रखा गया इसका बेस ईयर, तो आप देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन यही कुछ इसके आसपास का बेस ईयर है। अब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे उनका एग्रीकल्चर भी उतना अच्छा नहीं था, आप समझ सकते हैं अमेरिका का एग्रीकल्चर भी उतना खास नहीं था, ठीक है, मतलब खास था लेकिन उनके हिसाब से खास नहीं था। तो वो लोग उस टाइम पे मान लो 100 रुपए की सब्सिडी दिया करते थे, ठीक है, और मान लीजिए और दोनों के लिए बेस ईयर सेम रखा है, मतलब डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, 1980 में हम 1980 समझ लेते हैं, 1980 में डेवलप्ड कंट्रीज 100 रुपए सब्सिडी दिया करते थे, अब और डेवलपिंग कंट्री पास तो पैसे नहीं था उस टाइम पे, और पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे मान लीजिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की सब्सिडी दिया करते थे।
अब WTO ने बोला कि 1980 के अकॉर्डिंगली ये जो हमारे 100 जो डेवलप्ड कंट्री वो 5% सब्सिडी दे, अब 100 का 5% निकालोगे तो वो ज्यादा होगा। अगर आप 20 का मान लो हमने 100 का 5% निकाला और वो आया 10 रुपए, ठीक है, जस्ट गिविंग एग्जांपल। और अगर आप सब जानते हैं वो सिंपल सी मैथ्स है कि अगर आप 20 का 10% भी निकालो तो 2 रुपए होगा, तो फिर भी आप देखो ना प्रैक्टिकल पर्पस में तो ये लोग अभी भी ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं और डेवलपिंग कंट्री अभी भी कम सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्पस आप देखा कि मतलब क्या WTO भी गेम खेल गया, डेवलप्ड कंट्री को भी फेवर कर दिया, कि अगर डेवलप्ड कंट्री को फेवर नहीं करता ना तो ये एम्बर बॉक्स वाला सब्सिडी वाला जो क्वेश्चन था वो पास ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि क्या गेम खेला गया डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरी आती है ब्लू बॉक्स, ठीक है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी में इशू है, ठीक है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी तो फिक्स हो गई है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी में इशू है। देखो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या किया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा यूज की जाती है, मतलब इसके ऊपर भी क्या सेंशन लगाए गए हैं वो WTO के ऊपर आगे फाइनलाइज होगा, लेकिन मैं आपको ब्लू बॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो इसमें क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, अपने फार्मर्स को बोलती है कि सर आप लोग क्या करो कि पूरा जो लैंड है ना, मान लो आपके पास 10 एकड़ का लैंड है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ लैंड में खेती करो। अब फार्मर लोग बोलेंगे कि भैया जो हम 5 एकड़ लैंड अपना छोड़ देंगे उसमें फिर हमारा लॉस होगा ना 5 एकड़ का, तो डेवलप्ड कंट्रीज बोलती है, अमेरिका बोलेगा अपने किसान से कि नहीं तुम 5 एकड़ का जो भी तुम्हारा खर्चा होगा ना वो हम दे देंगे, तो ये क्या हुआ सब्सिडी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, आप सब जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा दम है कि वो लोग मतलब पूरा मार्केट, मतलब अमेरिका अपने अपने दम पे ही पूरा एग्रीकल्चर मार्केट फ्लडेड कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। जस्ट बिकॉज उसने ऐसा कर दिया तो उसके यहाँ से जो क्रॉप्स आएंगी उसका प्राइस गिर जाएगा, समझ सकते हैं। अगर अमेरिका से क्रॉप ज्यादा आएंगी और ब्रिटेन से कम आएंगी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा क्रॉप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिक्वायरमेंट 10 kg की है, लेकिन अब US फार्मर में इतना दम है कि वो लोग 20 kg भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मान लो 20 kg प्रोड्यूस कर दी तो अब लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, एप्पल वाला एग्जांपल याद करिए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि हमारे फार्मर को इतना लॉस ना हो, और जो एक्स्ट्रा वो लोग बोलते हैं कि दैट मींस जो 5 एकड़ में आप जो खर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब 5 एकड़ लैंड में आप जो अपना गेहूं नहीं उगाएंगे तो वहां पर हम आपको उसका पैसा दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो प्राइस है वो मतलब ये सब जो दैट मींस जो भी क्रॉप्स होंगी गेहूं या चावल उसका प्राइस नहीं गिरेगा। जब प्राइस नहीं गिरेगा तो दैट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है, मतलब फार्मर को भी अच्छा रहेगा और अमेरिका को भी मतलब ज्यादा सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। अगर देखो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, अमेरिका आप बोल रहे हो कि वो 5 एकड़ में तो सब्सिडी दे ही रहा है, तो अगर यहाँ पर प्राइस गिर गए तो जो कंपनसेट है उसकी सब्सिडी भी देते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्राइस गिरा ना तो हो सकता है कि उसका प्राइस गिर के मतलब 1-2 रुपए के आसपास ही पहुंच जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो चीज अमेरिका अफोर्ड नहीं करवाना चाहता। अमेरिका बोल रहा है चलो यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, अगर यहाँ पर प्राइस गिरा तो यहाँ पर तो कम से कम 100 रुपए देने पड़ पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुना देना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका क्या बोल रहा है कि नहीं हम यहीं पर सब्सिडी देंगे, इसी को हम बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। लेकिन अब आप सोचेंगे अब कुछ ऐसे पर्पस से कर रहा है, मतलब ये अमेरिका का खुद का पर्पस है, मतलब जितनी भी डेवलप्ड कंट्री उनका खुद का पर्पस है, तो यहाँ पर तो लोग मतलब काउंटर कर सकते हैं कि सर ये आप अपने पर्पस के लिए कर सकते हो तो हम आपको इसमें सब्सिडी को प्रोवाइड करवाएं। तो अमेरिका एक टेक्निकल रीजन देता है, बोलता है कि हम क्या चाहते हैं कि देखो हम, अमेरिका बोलता है कि हमारे ऐसा प्रोविजन है, मतलब हमारे ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं या साइंस ऐसा कहता है कि आपको मतलब हर साल आधा लैंड ऐसा बैरन छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होगी। ये रीजन देके अमेरिका लोग कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रियल रीजन क्या है, फाइन, तो अमेरिका अपनी ज्यादा चालाकी ना दिखाए। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी के ऊपर इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या इशू है वो याद रखना, बाकी अगर आपको देखना है तो बाकी आप देख सकते हैं। देखो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड है, हम तो डेवलपिंग है, तो UPSC डेवलपिंग वाले ही क्वेश्चन पूछेगा, डेवलप्ड वाले ये नहीं पूछेगा कि हम इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। इंडिया अगर ऐसा करने बैठ गया तो मतलब हमारे यहाँ तो मतलब जो प्रोडक्शन होता है उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा चर्चा नहीं किया, बस बता दिया ब्लू बॉक्स सब्सिडी में क्या आता है, ठीक है। लेकिन एम्बर बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का इशू इन्वॉल्व है, आपने देखा कैसे डेवलपिंग कंट्री को चीट किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, ठीक है, 5 और 10% का झांसा देके। इसके बाद तीसरी सब्सिडी आती है ग्रीन बॉक्स, ठीक है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब क्या होता है, देखो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्सिडी, मतलब कि जो भी अगर आप एग्रीकल्चर में कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहते हो उसके लिए आप फ्री हो, जितनी सब्सिडी देना दो, ठीक है, मतलब। और यहां पर जानते हैं रिसर्च डेवलपमेंट कोई नहीं करना चाहता, सब लोग सिर्फ कमा के दैट मीन्स उगा के दैट मीन्स जो कैपिटलिस्ट करते हैं सिर्फ जितना प्रोडक्शन कर सकते हो करो और बेचते जाओ, बाकी जो भी लॉस हो रहा है एनवायरमेंट को उसको मत देखो। तो यहाँ पर भी बस इसी में है कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करो लेकिन कोई नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा सब्सिडी अलाउड है और दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं करना चाहता, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज करती है कि उनके पास तो पैसा है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर सकती, उनके खुद की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इशू आता है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस का, ठीक है, मतलब कि
मतलब जो गुड्स का, आपने एग्रीकल्चर का इशू तो सॉल्व सॉर्ट आउट कर दिया ठीक है, लेकिन गुड्स वाले इशू के लिए क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता था ना कि मान लो कोई प्रोडक्ट आ रहा है अमेरिका से इंडिया में और हम यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, और फिर यहाँ पर जो इसलिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जस्ट बिकॉज जो अमेरिका था वो यहाँ पर क्या कर रहा था, बहुत सारी सब्सिडी दे रहा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ही मतलब WTO बोल चुका है कि आप भैया एक दूसरे को MFN स्टेटस दे दो, अगर आपने दे दिया तो बहुत आराम से एक दूसरे का माल इधर उधर होना चालू हो जाएगा ठीक है। और जो सब्सिडी वाला इशू था यहाँ पर वो तो हमने सॉल्व कर दिया, उसने बोला कि सब्सिडी वाला जो इशू था हमने सॉल्व कर दिया है, उनके अकॉर्डिंगली सॉल्व हो गया, लेकिन हमें अभी भी प्रॉब्लम है ठीक है। डेवलपिंग कंट्री में अभी प्रॉब्लम है तो हमारे अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं, उनके अकॉर्डिंगली सेव है सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ पर अब WTO बोल रहे हैं भैया MFN एक दूसरे को दे दो तो ऑटोमेटिकली आपका जो गुड्स है मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन पास होना चालू हो जाएगा ठीक है। तो बस यही है हमारा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। इसके बाद तीसरा इशू आता है सर्विसेज के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंट्री है दैट मींस जो बड़ी बड़ी कंट्री क्यों चाहती थी WTO, बिकॉज गैट में गुड्स का कोई मेंशन नहीं था, तो लोग चाहती थी कि अगर WTO नई बॉडी बनेगा तो उसमें सर्विस को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि वहां MFN का स्टेटस किसके गुड्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, तो इन द सेम वे सर्विस के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट ला दिया है हमारे WTO ने जिसका नाम है नेशनल ट्रीटमेंट ठीक है। याद रखना कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि WTO ने बोला है कि आपको फ्री सर्विसेज अलाउड करवाना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सर्विस पास ऑन कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स भी आपको पास ऑन करवाने हैं ठीक है। तो अमेरिका आप जानते हो उसके लिए रेडी नहीं है, अमेरिका इसके लिए रेडी हो, मतलब अमेरिका बोल रहा है कि हाँ भैया हम आपको फ्री सर्विसेज दे देंगे, मतलब सर्विसेज समझते हो ना जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गई या फिर कुछ जो कॉल सेंटर हो गए वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अमेरिका बोल रहा है हम फ्री सर्विस देने को तैयार, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स हम नहीं लेंगे, मतलब दूसरी कंट्री के, फिर भी लेना तो पड़ेगा भैया, WTO ने बोल दिया और हम भी, हमारे भी तो कुछ स्टेक होल्डर होते हैं, मतलब हम भी कुछ दैट मीन्स एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, आप बस ऐसा थोड़ा नहीं सिर्फ आपकी बस चलेगी ठीक है। तो फ्री ट्रेड दैट मीन्स इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए WTO ने बोला है कि सारी कंट्रीज एक दूसरे को क्या करे नेशनल ट्रीटमेंट का दर्जा दे दे, नेशनल ट्रीटमेंट के अंदर दैट मीन्स सर्विसेज को रोका नहीं जाएगा, अभी सर्विस में भी बहुत सारी ड्यूटीज लगती है ठीक है, उसको रोका नहीं जाएगा और ह्यूमन रिसोर्स को भी अलाउ किया जाएगा ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को रोकने के लिए से याद है जब ट्रंप साहब आए थे उन्होंने शायद फर्स्ट अपने दैट मीन्स जैसे ही आए थे उन्होंने H1N1 वीजा लाया था, तो H1N1 वीजा क्या बोल रहा था कि दैट मीन्स बाकी जो कंट्रीज का माइग्रेशन था उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एक्चुअली दैट वॉज अगेंस्ट WTO, तो उसके अगेंस्ट काफी कंट्रीज कहां गई थी, दैट मीन्स WTO बोलने भी गई थी कि अमेरिका गलत कर रहा है ठीक है। तो केस अभी तक चल रहा है, दैट विल गो टिल अमेरिका डजंट डाई ठीक है। तो दैट इज द इशू, मतलब सेम MFN WTO ने नया नेशनल ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट ला दिया कि भैया इससे आप सॉल्व कर लो, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया सर्विसेज में। बस देखो आप फिर भी आप देख रहे होंगे फिर भी ट्रेड अच्छा चल रहा हो, ट्रेड अच्छा क्यों चल रहा है जस्ट बिकॉज सारी कंट्रीज क्या कर रही है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर ले रही है, मतलब कोई भी मतलब एक दूसरे को MFN ना ही MFN दे रहा है, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन भी नहीं दे रहा है और नेशनल ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहा है। सिंपल सा क्या कर रहा है कि सिंपल से एक चीज उठा के मतलब सारी जितनी जिनसे उन्हें प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन को दैट मीन्स इथोपिया से कोई प्रॉफिट नहीं है, ये वहां पर ब्रिटेन के लायक कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, इंडिया बड़ा मार्केट है, तो उसके साथ ब्रिटेन क्या कर सकता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लेगा, और साइन कर लिया तो बहुत आराम से एक दूसरे का गुड इधर से उधर जा पाएगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब इसमें ये लोग अलाउ दैट मीन्स देखते हैं कि कितना गुड आना चाहिए कितना गुड नहीं आना चाहिए ठीक है। ये सब IRO कॉन्सेप्ट है, आप वहां पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पढ़ सकते हैं, और वैसे भी काफी न्यूज में था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जब मालदीव्स और ये हमारे चाइना ने साइन किया था, तो आपने शायद उस टाइम पे पढ़ा होगा, दैट इज नॉट माई पार्ट, आपको FTA खुद से ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है। और MFN के बारे में आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, और सेम इन द सेम वे नेशनल ट्रीटमेंट को सर्विस के सेक्टर में लाया गया। अगर आपको नेशनल ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आपने शायद फिर MFN वाला लेक्चर नहीं देखा, उसको जाके जरूर देखिए ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड होल ऑफ द दोहा राउंड। अब अगले लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे, नॉर्बी एंड बाली राउंड, उसके बाद फाइनली एक और टॉपिक बचेगा जिसमें हम जानेंगे कि ये ट्रेड रिलेटेड इश्यूज क्या है, मतलब कि IPR इश्यूज, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो गया, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3, सो वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 4।